हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर हिना यास्मीन, एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और आज मैं आप लोगों को त्वचा या स्किन पे होने वाले फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम दाद और रिंगबॉम भी कहते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही लाभदायक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगी। तो चलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दाद या रिंगबॉम ये होता क्या है। तो देखिए, दाद एक स्किन इन्फेक्शन है जो फंगस के कारण होता है। इसे रिंगवॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि ये रिंग के शेप जैसा गोल आकार का ये होता है, इसलिए हम इसे रिंगवॉर्म भी कहते हैं। ये दाद या रिंगवॉर्म ये कई तरह के होते हैं। चेहरे पे अगर दाढ़ी के आसपास दाद निकल जाएं या रिंगवॉर्म निकल जाएं तो इसे टीनिया बारबाई कहते हैं। अगर शरीर पे कहीं भी दाद या रिंगवॉर्म निकल जाए तो उसे टीनिया कॉर्पोरेसिस कहते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति के स्कैल्प पे या सिर की त्वचा पे दाद या रिंगवॉर्म निकल जाए तो उसे टीनिया कैपेटिस कहते हैं। अगर किसी के पैर में दाद या रिंगवॉर्म हो जाए तो उसे टीनिया पेडिस या फिर एथलीट फूट भी कहते हैं। किसी किसी व्यक्ति के जॉइंट्स पे या उनके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास हिस्सों में अगर दाद निकल जाए तो उसे टीनिया क्रूसिस कहते हैं। और अगर चेहरे पे दाढ़ी के अलावा किसी भी अन्य हिस्से में दाद निकल जाए तो इसे टीनिया फेसेई कहते हैं। तो दोस्तों, दाद एक फैलने वाली बीमारी है। ये ज़्यादातर गीले कपड़े पहनने से, पैरों में ज़्यादा पसीना आने से, अगर किसी व्यक्ति के पहले से रिंगवॉर्म हुआ हुआ है और आप उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर उनके कोई पर्सनल चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे उनके कंघी हो गए, उनके ब्रश हो गए, उनके तौलिया हो गए, उनके चादर या उनके बिस्तर आदि को यूज़ करने से भी ये बहुत ही आसानी से आपको फैल सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है और उन्हें यह दाद की या रिंगवॉर्म की समस्या है तो बहुत ही ज़्यादा चांस ये रहते हैं कि आपको भी उनके कांटेक्ट में आने से ये रिंगवॉर्म बहुत जल्दी फैल सकता है। तो जैसा कि हम जान गए कि ये दाद एक बहुत ही फैलने वाली बीमारी है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा फैल गया हो तो तुरंत अपने किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर किसी स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये जो दाद या रिंगवॉर्म है, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, किन लक्षणों को देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपको भी रिंगवॉर्म हुआ है या नहीं। मतलब दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अगर दाद या रिंगवॉर्म हो जाए तो वहाँ इसके स्किन या त्वचा जो है वो स्केली और एक परतदार उस पर उभरा हुआ दाग सा हो जाता है। उस दाग के जो किनारे हैं वो लाल होने लगते हैं, वहाँ पे लाल चकत्ते हो जाते हैं, रैशेज जैसे हो जाते हैं, उनमें बहुत तेज़ खुजली या जलन होने लगती है और फफोले जैसे बनने के बाद वो एक आकार में आ जाते हैं, जिन्हें आप रिंगवॉर्म कहेंगे। रिंग के आकार के गोलाकार शेप में वो आ जाते हैं। अगर आपके सिर की त्वचा पे ये रिंगवॉर्म या दाद हो गया हो तो वहाँ पर बाल या टूटने लगते हैं या झड़ने लगते हैं। और अगर आपके नाखून में भी दाद या रिंगवॉर्म हो गया हो तो वहाँ पर आपके नाखून जो हैं वो बहुत पतले या बेरंग हो जाएंगे या फिर उनमें दरारें आ जाएंगी। तो ये कुछ लक्षण हैं या सिम्पटम हैं जो बहुत ही आम या कॉमन हैं, जिन्हें देखने के बाद आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको भी रिंगवॉर्म हुआ है या नहीं। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो इस समस्या को दूर करने में आपको बहुत ही लाभदायक और बहुत ही जल्दी असरदायक, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं। तो चलिए आइए हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली दवा है क्राइसेरोबिनम। ये दवा बहुत ही पावरफुल दवा होती है आपके रिंगवॉर्म को ख़त्म करने में, ख़ास के अगर आपको थाई में, आपके लेग में या आपके कान के पास आपको बहुत वायलेंट या फिर इंटेंस इचिंग हो रही हो तो ये दवा आपको बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होती है आपके इस दाद को समस्या को ख़त्म करने में। इस दवा को आप 4 से 5 बूंद सुबह व शाम रोज़ाना लें और कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक लें, ये बहुत जल्दी ही आपको असर करेगी। क्राइसेरोबिनम 200 पावर में, आप 200 पोटेंसी में ज़रूर लें। तो दूसरी दवा है दोस्तों साइलेसिया। अगर आपके पैर में दाद हो गया हो और वहाँ बहुत ही इंटेंस इचिंग हो रहा हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है साइलेसिया 200 पावर में, आप 4 से 5 बूंद रोज़ाना सुबह व शाम ज़रूर लें। तो दोस्तों तीसरी दवा है सेपिया। अगर आपके इल्बो में, आपके कोहनी में, आपके घुटनों के बेंड्स में अगर आपको दाद हो गया हो और वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इचिंग हो रही हो, यहाँ तक कि आपको खुजलाने के बाद भी वहाँ राहत नहीं मिलती हो, तो वैसे व्यक्ति
सेपिया 200 पावर में 4 से 5 बूंद रोज़ाना सुबह व शाम लें। जिन व्यक्तियों को हर स्प्रिंग सीजन में दाद हो जाता हो तो वैसे व्यक्तियों के लिए भी ये दवा बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों चौथी दवा है आर्सेनिक एल्बम। ये दवा आपके सिर के त्वचा के लिए है। अगर किसी व्यक्ति को सिर की त्वचा पे दाग हो गया हो और वहाँ पर के बाल टूट गए हों, झड़ गए हों, यहाँ तक कि नए बाल भी नहीं निकल रहे हों, बहुत इंटेंस बर्निंग हो, इचिंग हो, इतनी ज़्यादा इचिंग हो कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हो, तो वैसे व्यक्ति आर्सेनिक एल्बम 200 शक्ति में कुछ हफ्तों तक लें। 4 से 5 बूंद सुबह व शाम 2 टाइम रोज़ाना लें तो कुछ ही हफ्तों में उन्हें ये असर ज़रूर दिखेगा। उनके नए बाल भी निकलने शुरू हो जाएंगे, साथ ही ये दांत की समस्या भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों पांचवी दवा है सल्फर आयोड। बहुत से व्यक्तियों को दाढ़ी बनाने के बाद वहाँ पर दाद हो जाते हैं या फिर वहाँ पर दाने जैसे निकल जाते हैं, तो अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी के जगह पर अगर आपको दाद निकल गया हो तो सल्फर आयोड 30 शक्ति में ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आप 4 से 5 बूंद कुछ महीनों तक लें तो ये दवा कुछ ही हफ्तों में या कुछ महीनों में बहुत जल्दी ही आपकी इस दांत की समस्या को ज़रूर खत्म करेगी। अपने खान पान का भी ज़रूर ध्यान रखें, खट्टी व मसालेदार चीज़ों को कम खाएं, साथ ही वैसे खाने को ज़रूर खाएं जिसमें विटामिन ए हो, विटामिन ई हो। अपने स्किन को सूखा रखें, किसी दूसरे व्यक्ति के तौलिए, ब्रश व कंघी, चादर, बिस्तर, इन चीज़ों को यूज़ करने से बचे। अपने पालतू जानवरों से खेलने या कांटेक्ट में आने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं, अपने मोज़ों को, अपने अंडर गारमेंट्स को रोज़ाना बदलें। अगर आपके शरीर में किसी भी हिस्से पे दाद हो गया हो तो उसे छूने से बचें। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये बहुत जल्दी से फैल जाएगा और ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आगे होम्योपैथिक दवा से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी किसी भी समस्या से जुड़ी जानकारी के लिए मुझे कमेंट करें।